दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सेल का जो इफ कंडीशन था उसके अंदर और भी सारी चीजें, जैसे कि अगर हमें इक्वल से रिलेटेड अगर कोई भी कंपैरिजन करना है, या फिर लेस देन इक्वल टू अगर करना है, या फिर नॉट इन अगर करना है, तो ये सारी भी जो चीजें हम एक्सेल के हेल्प से कर सकते हैं, इफ कंडीशन के हेल्प, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इन सब के बारे में। तो यहाँ पे आपने लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने इसके अंदर लगाया था इफ ग्रेटर देन का, जैसे यहाँ पे देखिए हमने लगाया था कि B2 ग्रेटर देन 40, यानी कि ये जो B और ये वाली सीरीज है, अगर ये 40 से ज्यादा है तो पास आएगा, अगर 40 नंबर से कम है तो फेल आएगा। ये चीज हमने लगाया था इसके लिए, ग्रेटर देन के लिए। सिंपल सा यहाँ पे है, अगर हमें मान लीजिए 40 नंबर से अगर कम वाले हैं उनको यहाँ पे फेल अगर सिर्फ दिखाना है डायरेक्ट, या फिर 40 के अगर 50 भी अगर हम ले लें तो 50 के नीचे अगर जितने भी नंबर है उन सबको फेल दिखाना है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी हम कर सकते हैं, यानी कि लेसर देन भी कर सकते हैं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसी फॉर्मूले के अंदर सिंपल आप ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसको लेस देन का साइन अगर बना देते हैं, और अगर मान लीजिए हमें चाहिए 50, यानी कि इस कंडीशन की हेल्प से होगा क्या कि अगर B2 के अंदर, यानी कि ये पूरी B2 की सीरीज है, ये B की सीरीज है, अगर इसके अंदर कोई भी नंबर अगर 50 से कम है तो वो क्या दिखाएगा, फेल, सीधा सीधा फेल दिखाएगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती, यानी कि 50 से अगर ज्यादा है तो वो सबका पास दिखाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो जो है ये पास दिखाने चाहिए। इसको देखिए हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने इस पे लगाया और इसको एंटर कर देते हैं। तो देखिए 35 यहाँ पे आ रहा है, 50 से कम को फेल दिखाना चाहते हैं, यानी कि पहला जो हमारी शर्त है वो हम दिखाना चाहते हैं फेल, और उसके बाद अगर 50 नंबर से किसी का भी यहाँ पे ज्यादा हुआ तो उसको हम दिखाना चाहते हैं पास। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास। देखिए अब इसको एंटर करेंगे तो देखिए ये 50 नंबर से ये कम है, 35, इसीलिए ये फेल दिखा रहा है, और बाकियों का भी हम अगर करना है हमें नीचे वालों का भी, तो सिंपल इसको हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो देखिए 50 नंबर जो है या फिर 50 से ज्यादा है वो पास दिखा रहे हैं, और जो भी 50 से लेसर है यानी कि कम है वो इफ कंडीशन की हेल्प से यहाँ पे देखिए फेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। तो यहाँ पे जितनी भी रोज है आप इनके ऊपर सीधा सीधा ये चीज अप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं कि अगर ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ये तो हमने देख लिया, अगर हमें ये देखना हो कि इक्वल के केस में क्या होता है, यानी कि अगर मान लीजिए जितना हमने नंबर दिया अगर वो इक्वल ही है तो फिर क्या होगा। जैसे सिर्फ एक की अगर मैं बात कर लूँ कि इफ अगर जिसमें ये चाहता हूँ कि ये 35 नंबर है, ठीक है, अगर 35 नंबर किसी के हैं तो वो सीधा सीधा क्या दिखाए, वो दिखाएगा यहाँ पे सेकेंड डिवीजन, या कुछ भी आप दिखाना चाहें वो मैसेज में दिखा सकते हैं। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 35 अगर आता है तो मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ थर्ड डिवीजन, तो इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि B2 इक्वल टू अगर ये 35 है तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, थर्ड, मान लीजिए थर्ड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, और अदरवाइज सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नन, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, तो मैंने ये सिंपल यहाँ पे लिखा। तो देखिए B2 के अंदर क्या है, यहाँ पे 35 है तो इसलिए वो मैसेज दिखा दिया थर्ड डिवीजन, थर्ड पोजीशन जो भी है ये। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सेल के अंदर इफ को यूज करते हुए हम कैसे ग्रेटर देन अगर करना हो वो हम कर सकते हैं, लेस देन करना हो, इक्वल करना है, वो चीज भी हम इसको आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे आता है नॉट का, यानी कि अगर हम इसमें कोई चीज देखना चाहते हैं, जिसे अगर मान लीजिए मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा कॉलम है ये कॉलम के अंदर वैल्यू है कि नहीं है, ये बताए कि कोई भी यहाँ पे जो सेल है ए के अंदर वो ऐसा ना हो कि कोई खाली हो, अगर खाली होगा तो वो हमें इंडिकेट कर दे कि हाँ भाई ये चीज खाली है, एक वैल्यू से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए उसको हम कैसे करते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ तो जैसे हमें ये पता है कि यहाँ पे सब में वैल्यू है, जैसे किसी एक में मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है, एक का मैंने डिलीट कर दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि ए जो कॉलम है इसके अंदर जो वैल्यूज है, तो जिसमें भी वैल्यू है कुछ ना कुछ, कुछ भी वैल्यू हो मतलब, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ हो वो खाली ना हो, तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा हमें 1 से, और अगर कोई भी सेल यहाँ पे खाली है कॉलम ए के अंदर तो वो इंडिकेट करेगा 0 से, यानी 0 से हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो सेल है या फिर ये जो रो है वो खाली है। देखिए इसको हम कैसे करना चाहते हैं, सिंपल सा हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू का साइन ले लेता हूं मैं, इफ
यहाँ पे हमने करना है A2 के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो A2 लिखेंगे, A2 और नॉट का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, A2 नॉट का साइन। अब इसके बाद से हम चेक करना चाहते हैं कि क्या A2 खाली है, तो ये हमने कंडीशन दिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, अगर ट्रू आता है यानी कि अगर ये इधर खाली नहीं है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, अगर ये खाली नहीं है तो इसके अंदर होगा क्या कि वैल्यू रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ऐसे ही अगर ये खाली होता ये सेल तो ये रिटर्न करता 0, तो मैं यहाँ पे 0 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। आप 1 या 0 जो भी यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए इसने 1 दिखाया, मतलब ये जो सेल है ये खाली नहीं है, तो आप 1 और 0 की जगह पे मैसेज भी चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे देखिए कैसे, नॉट ब्लैंक, ये मैं लिख देता हूँ नॉट ब्लैंक, और इसके लिए मैं लिख देता हूँ मैसेज ब्लैंक, फिर मैं एंटर कर देता हूं। तो देखिए ये क्या बता रहा है, इस वाले रो के लिए यानी कि इस रो के अंदर A2 यानी कि ये वाला जो है ये खाली नहीं है, इसलिए नॉट ब्लैंक दिखाया। अब बाकियों के लिए भी अगर हमें करना है तो सिंपल ये फिल जो मेथड है, हैंडल है, इसको यूज कर लेंगे। तो देखिए इसने दिखाया है नॉट ब्लैंक नॉट ब्लैंक नॉट ब्लैंक, और जिसमें ब्लैंक था वो सीधा सीधा यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्लैंक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सेल के अंदर इफ कंडीशन के साथ प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, जिसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन, नॉट इन, ये सारी चीजें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये जो इफ की कितनी सारी वेराइटियां हैं, इसको आप किस तरीके से एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।